आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं गूगल शीट। गूगल शीट के अंदर हम बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में, क्योंकि हमने अपना पुराना जो पिछला जो चैप्टर था वो चार्ट था जो कि हमने खत्म कर लिया। बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में, पर प्रॉब्लम है कि पिवट टेबल का जो डेटा है पूरा एक्सेल शीट पे पड़ा हुआ है और मुझे सबसे पहले इस डेटा को गूगल शीट में ले जाना। तो गूगल सीट में ले जाने के लिए हमने आपको कॉपी पेस्ट भी बताया था, पर कॉपी पेस्ट सही से नहीं होता है, जैसे मर्ज वगैरह है और नंबर टेक्स्ट इस तरह की चीजों में रीड नहीं करता है, मतलब कि 100% परफेक्शन नहीं होती है। आप ले तो जा सकते हो कॉपी पेस्ट करके, बट 100% परफेक्शन नहीं होती है। तो क्या करें इसके लिए, हम इस फाइल को गूगल ड्राइव में लोड कर लेंगे। बट प्रॉब्लम है कि जो मेरा ये फाइल है डेटा वन का जो फाइल है हमारा, ये फाइल आपका इसमें है, यानी कि माइक्रो एनेबल वर्कबुक में है। yes. तो माइक्रो एनेबल वर्कबुक आपका काम नहीं करेगा किस पे, गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में अपलोड तो हो जाएगा, गूगल शीट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इसको मूव एंड कॉपी किया एक नई फाइल में, ओके, और इसको हमने सेव कर दिया एक लोकेशन में, जैसे मान लिया मैं इस पे करता हूं ई ड्राइव में, और बुक वन के जगह पे हम यहां पे डेटा जी सीट के नाम से हम कर देते हैं। एक्सेल यहां पे एक्सेल एस एम को जगह पे हम एक्सेल एस सेलेक्ट कर लेते हैं, देन सेव। अब मैं इस फाइल को क्लोज करता हूं और हम जाते हैं गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जाने के बाद जो न्यू है, न्यू पे क्लिक करते हैं तो फाइल अपलोड आपको दिख रहा होगा। yes. इस फाइल अपलोड पे जाते हैं, ई ड्राइव में जाते हैं, डेटा जीएस को सिलेक्ट करते हैं एंड जस्ट अपलोड करेंगे। ये अपलोड हो गया, इस पर क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। तो इंसर्ट में हमने चार्ज कर लिया था पिवट टेबल। अब जानिए पिवट टेबल का यूज क्या है, बहुत ही बेहतरीन इसका यूज है एक्सेल पे भी और गूगल शीट पे। पिवट टेबल से पहले हम जानते हैं कि हमारा रिपोर्ट क्या होता है। जब कोई रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट जो होता है बेसिकली आपका समरी ऑफ द डेटा होता है। किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर हम समरी बनाते हैं, दैट कॉल रिपोर्ट्स। रिपोर्ट की डेफिनेशन कहा जाता है समरी ऑफ द डेटा। डेटा क्या होता है, क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। पिवट टेबल की डेफिनेशन देखिए, तो पिवट टेबल की डेफिनेशन होती है वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो ऐसा माना गया है कि आप पिवट टेबल की मदद से अपने 80% के आसपास जो आपके रिपोर्ट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, 80% के आसपास, राइट तो पिवट टेबल लगाने से पहले दो तीन चीज ध्यान रखिएगा। पहले आपका कॉलम का हेडिंग ब्लैंक ना हो, क्योंकि पिवट टेबल आपके कॉलम के हेडिंग को ही लेके चलता है। दूसरा, आपके पास अगर जैसे डेट है तो डेट में डेट ही होनी चाहिए, कोई ब्लैंक या किसी तरह का ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो पिवट ना लगेगा ऐसा बात नहीं, लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार डेटा को अपने हिस्से से देख लीजिएगा और साथ में डेटा को समझ लीजिए, क्योंकि इस डेटा को आप एनालाइज कर रहे हैं पिवट के माध्यम से, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आपके आपको डेटा के ऊपर अच्छा से कमांड होना चाहिए कि डेटा है क्या, किस पर्पज से है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाते हैं और हम जाते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल अब पूछता है क्या न्यू शीट में या एग्जिस्टिंग शीट में, तो मेरे पास एग्जिस्टिंग शीट तो है ही नहीं, तो हम न्यू शीट ही
श्रेक रहने देते हैं और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखा है सम एक्सेल मेमोरी ड्रॉप यू द कंटिन्यू एडिटिंग। हाँ मतलब कुछ ऐसे है जो एक्सेल के पार्ट है जो पिवट में ड्रॉप करने पड़ेंगे, हम बोलते हैं कंटिन्यू एडिटिंग। एक नई शीट पे हमारा ए पिवट लग गया, ये आपके रो सेक्शन आ गए, ये आपके कॉलम सेक्शन आ गए, ये आपके वैल्यू सेक्शन आ गए, और आपके जितने भी फील्ड थे वो फील्ड का लिस्ट यहाँ पे आ गया। इसलिए हमने आपको बोला था कि आपके डेटा के अंदर कोई कॉलम की हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉलम के हेडिंग को ही लेके यहाँ पिवट के यहाँ हेडिंग में रखता है। अब आपको ये समझना है कि आपको आखिर चाहिए क्या। तो मुझे चाहिए कि किस पर्सन ने किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल की है, सिंपल सा। तो हम पर्सन को उठा के रो में रखते हैं। अब यहाँ पे आप ड्रॉप कर दिए, आ गया रो में, अब यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऐड पे क्लिक है, तो यहाँ से भी आप, अब मैं ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे भी राइट क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सिटी, और मुझे वैल्यू में क्या चाहिए, क्वांटिटी। यहाँ आपकी क्वांटिटी आ गई। अब क्वांटिटी में यहाँ पे देखिए सम एवरेज काउंट मैक्सिमम मिनिमम जो टेंथ कैलकुलेशन चाहिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, और शो एज परसेंटेज ऑफ रो परसेंटेज ऑफ कॉलम या ग्रांड टोटल, एक कैलकुलेशन का पार्ट आता है। तो आपके सामने आ गया कि किस पर्सन ने किस सिटी में कितना कितना सेल किया है, और यहाँ पे उनके टोटल्स आ गए। बीच में इस तरह का ब्लैंक 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 आपको दिख रहा है, राइट सर? यस सर। ब्लैंक क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये इस दिन इस मतलब कि ऊपर था ही नहीं, इस कारण से इस तरह से दिख रहा है। ओके यस। अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या इसमें और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे एक्सेल में पिवट टेबल के ऊपर तो बहुत सारे फीचर्स थे, क्या इसमें भी ऐसे ही है? लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि पहला तो यहाँ सजेस्ट आता है कि आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका क्या रिपोर्ट बन सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखें, मतलब कि आपने पिवट लगाया, तो पिवट लगाने के बाद आप जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट करके पिवट लगाया, इंसर्ट पिवट टेबल, न्यू शीट पे मान लीजिए हमने लगा दिया। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें, तो तीन चार सजेशन यहाँ दे रहा है आपको ये कि एवरेज अमाउंट फॉर Each city, number of quantity for each month, and sum of GST for each course. तो मान लीजिए कि average of amount यहाँ पे average of amount each city पे अगर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, यहाँ प्रीव्यू दिखाता है, इस पे क्लिक कर दिया तो ये आपका automatically बन जाएगा। yes. ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे है, क्या मैं सिटी है, नेम है, ऐसे मान लीजिए क्या नेम को चेंज कर सकता है, देव है, तो क्या मैं देव कुमार कर सकता हूं यहाँ पे, अगर देव है। देखिए हम पिवट टेबल में किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं कर सकते, बट एक्सेल में हम एडिटिंग कर सकते थे, समझिए। yes. एक्सेल में हम इसको एडिट कर सकते थे, इसको एडिट कर सकते थे, हम सिर्फ वैल्यूज को एडिट नहीं कर सकते थे, राइट? बट यहां किसी तरह का एडिटिंग नहीं कर पा रहे। दूसरा, अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात आई, या इसकी फॉर्मेटिंग की बात आई, तो ये आपको डिफॉल्ट फॉर्मेट देता है, लेकिन आप अपने हिसाब से अपनी जो फॉर्मेटिंग यहाँ करना चाहे कर सकते, क्योंकि इसके पास और फॉर्मेटिंग के कोई साधन नहीं है। आप देख सकते हैं पिवट टेबल एडिटर में कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप इसमें और ज्यादा फॉर्मेट ले सके। हाँ, फॉर्मेट के अंदर में आपके सामने एक ऑटो फॉर्मेट हुआ करता था, सर हट गया इसमें नहीं,
आपको नॉर्मली ही फॉर्मेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे कि एवरेज ऑफ एमआरपी आपको दिख रहा है, राइट यस अमाउंट। मान लीजिए कि मैं यहाँ सिटी को रिमूव करता हूँ और सिटी यहाँ से रिमूव करता हूँ, मुझे यहाँ मंथ वाइज टोटल चाहिए, राइट। तो मंथ वाइज मुझे यहाँ एवरेज नहीं चाहिए, मुझे अमाउंट का सम चाहिए, सम आ गया। और यस मुझे एक, हम यहाँ अमाउंट को एक बार और ऐड करते हैं, तो यहाँ हम आप देख पा रहे हैं कि हम एक ही फील्ड को दो बार वैल्यू में एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखता है परसेंटेज ऑफ रो, लेकिन परसेंटेज ऑफ रो यहाँ सही नहीं होगा, परसेंटेज ऑफ कॉलम सही होगा। मतलब कि जो ये नंबर्स हैं, इससे इस सब को डिवाइड करेगा और बताएगा कि क्या कंट्रीब्यूशन है। मतलब अप्रैल का कंट्रीब्यूशन ए है, अगस्त का कंट्रीब्यूशन ए है, और शॉर्ट भी जो हुआ है आपका, शॉर्ट भी जो आपका हुआ है वो आपका डिफॉल्ट हुआ है, मतलब कि कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। यस लेकिन क्या हम इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं? तो अगर मैंने जैन को लिया यहां से उठा के ऊपर मूव कर दिया, नहीं, आप किसी भी सेल को कहीं ही भी मूव नहीं कर सकते। सर नहीं कर रहे सर? नहीं हो रहा। तो यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ परसेंटेज ऑफ टोटल। अब इसमें आती है कि ग्रांड टोटल क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ए क्या होता है, मतलब कि रो टोटल, कॉलम टोटल समझ में आ गया, रो टोटल क्या होता है। चलिए हम आपको परसेंटेज ऑफ रो टोटल भी समझाते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ एरिया को उठा के हमने कॉलम में रख दिया, एरिया को उठा के हमने कॉलम में रख दिया। अब यहाँ पे आप देखें, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, मैंने कि 200% नहीं, मैं इसको 150% करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो टोटल आपका ग्रांड टोटल दिख रहा है सर, यस ये ग्रांड टोटल इज कॉल्ड द रो टोटल, ये रो टोटल कहलाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस नंबर है, इस नंबर से इन सब को डिवाइड किया जाए और परसेंटेज निकाला जाए। उस केस में मैं यहां पे परसेंटेज ऑफ रो टोटल करूंगा, तो आप देख सकते हैं किसकी दीवार है, कि अप्रैल के अंदर में जो चारों जोन में सेल हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, शेयरिंग को क्या क्या है। ओके, अब बात करेंगे कि परसेंटेज ग्रांड टोटल, जो एक ग्रांड टोटल होता है इससे सबको डिवाइड करना, ये आपका परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल कहलाता है। ओके सर, यस परसेंटेज ऑफ ग्रांड ग्रैंड टोटल गलत। तो पिवट टेबल में आपके सामने कैलकुलेशन हमने समझ लिया, राइट। और इसमें और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, बाकी नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्रिएट पिवट टेबल ग्रुप। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ इसको सिलेक्ट किया और फेब और मार्च को किया, राइट क्लिक, मैंने क्रिएट टेबल पिवट टेबल ग्रुप पे क्लिक किया, तो ये तीनों इकट्ठा हो गए, ठीक है ना। बट यहां पे आप देख सकते हैं कि दो आ गया। एक ग्रुप क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए कि मैं एक बार यहां से सिटी को रिमूव कर देता हूँ, नेम वाइज मेरे से आ, राइट। आप देख रहे हैं पूजा के, पूजा शर्मा दिख रहा है ना, ये दोनों बेसिकली एक ही पर्सन है, नाम में गड़बड़ हो जाने के कारण तीनों या तीनों अलग हो गए। तो मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पे दिख रहा है आपको पिवट टेबल ग्रुप, हमने ग्रुप पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ ऊपर पूजा एडवांस सिंह टोटल आ रहा है ना आपका, यस पूजा पूजा के आर शर्मा सब पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, प्लस माइनस पे साइन आ गया, इसमें टोटल आ रहा है,
सब टोटल आ रहा है सर? हम्म, ये सब टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, क्या इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं? यहाँ पे रोज असेंडिंग ग्रुप ने, यहाँ पे 100 दिख रहा है आपको सब टोटल, यस यस, हमने इसको अनचेक कर दिया। नहीं सम ऑफ क्वांटिटी जस्ट इन टोटल आ रहा है। अब यहां पे देख रहे हैं ग्रुप नेम और यहां पे असेंडिंग नेम, तो असेंडिंग नेम जो है इसको यहां से मैं रिमूव कर देता हूं। रिमूव कर दिया सर? यस, आपके सामने आ गया, यहाँ पे वो हट गया, अब एक ही नाम yes, यहाँ yes, पूजा yes. पूजा के शर्मा यहाँ इकट्ठा ग्रुप होकर आ गया। क्या हमने यहाँ दो जो आया था उसको यहाँ से डिलीट कर दिया था, पर प्रॉब्लम है कि हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है? क्योंकि मान लीजिए मुझे इसको यहाँ से हटाना, हाँ हटा सकते हैं, ग्रुप करने के बाद हटा सकते हैं सर, माफ कीजिएगा। यहाँ पे हम दे देते हैं पूजा, ठीक है? Yes. तो ग्रुप होने के बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसे चेंज नहीं कर सकते। जी, ग्रुप के पहले में। ये समझ में आ गया आपको? तो Yes. टेक्स्ट को कैसे ग्रुप करना है आपको समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो एक बार और हम इसमें पिवट टेबल लगाते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल और यहां पे क्रिएट करते। क्रिएट में हम यहां मान लीजिए कि हम डेट को रखते हैं, रोज में हमने डेट को रखा और कॉलम वैल्यूज में हम क्वांटिटी को रखते हैं, राइट? तो यहां पिवट टेबल ग्रुप्स, यहां पे डेट ग्रुप्स में दिख रहा है आपको सर? क्योंकि इसी में बताया था आपको कि डेट में होगा तो बेटर रहेगा, तो डेट में था इसलिए हम राइट क्लिक करते, मेरे पास यहाँ पे डेट ग्रुप आ गया। तो आवर मिनट सेकेंड डे कर सकते, डे इन द वीक, डे इन द ईयर, डे ऑफ द मंथ, डे मंथ मंथ क्वार्टर कर सकते। हमने मंथ ले लिया, क्वार्टर मंथ यहाँ पे ले लिया, तो मंथ वाइज आ गए ग्रुप। इसी में मान लीजिए कि मैं इसको ईयर भी सिलेक्ट कर देता हूँ तो ईयर आ गया, बट हट गया इसने, डेट ईयर हो गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप में मैं इसको अगर डेज मंथ कर देता हूँ तो डेट आ रहा है, यस मंथ है। हाँ, अगर मैं डे ऑफ द मंथ कर देता हूँ तो क्या आ रहा है? सिर्फ डे नंबर आएगा 31 तक, सारे मंथ का टोटल इसमें आ जाएगा। उसके बाद डे ऑफ द ईयर कर दोगे तो 365 आएगा यहाँ पे टोटल, ठीक है? Yes. फिर राइट क्लिक करके मैं इसको ग्रुप में डे ऑफ वीक कर दू तो संडे मंडे ट्यूजडे आएगा। अब इसमें एक फिल्टर है, तो मान लीजिए डेट को मैंने फिल्टर में डाला, ठीक है? यहां पे शोइंग आइटम आपको दिख रहा है क्या आ रहा है? डेट का फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेटिंग आ रहा है। तो यहां से आप अपनी इसकी फिल्ट्रेशन लगा सकते हो, फिल्टर में आप जो है यहां कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड जो है आप अपना इसका ही कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है सर? Yes. तो इसमें कोई इससे कोई पंगा नहीं है, तो इसको रिमूव मार देता है। तो डेट वाइज ग्रुपिंग समझ गया। अब मैं एक बार और इसको पिवट बनाता हूं, इंसर्ट पिवट टेबल क्रिएट।
अब मैं इसमें वैल्यूज के यहाँ पे अकॉर्डिंग करूंगा, मतलब रो में मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ और वापस मैं वैल्यू में भी क्वांटिटी ले लेता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 10 10 क्वांटिटी की 90 टोटल सेल हुई। मतलब ऑर्डर जो आता है ना कि भाई ऑर्डर आया अभी 10 पीस दे दिया, तो 10 पीस के 9 ऑर्डर आए, कहां से 90 टोटल क्वांटिटी हुई। इसको सम के जगह पे अगर मैं काउंट कर दूंगा तो यहाँ पे इसकी काउंट दिख जाएगी कि किस ऑर्डर किस क्वांटिटी कितने ऑर्डर्स आए। ये 10 20 है। अब मैं इसको ग्रुप करता, ग्रुप। अब इसमें आप दे सकते हैं कि मिनिमम क्या है, तो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम हमारा 100 और हम चाहते हैं 10 का ग्रुप कर। ठीक है सर, ओके करते हैं। आप देखिए 10 से 19 93 आ गए, 20 से 29 125 आ गया, 30 से 39 108 आ गया, 40 से 49 112 आ गया, 50 से 59 106 आ गया। दिख रहे हैं आप, इस तरह से पिवट टेबल क्रिएट होगा और पिवट टेबल क्रिएट होने के बाद आपके सामने आपके इस तरह से ग्रुप होके नंबर में आएगा। तो तीनों ग्रुप हम समझ गए, नंबर ग्रुप, डेट ग्रुप, टाइम ग्रुप, राइट। यस, कैलकुलेशन को समझ लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पिवट लगाना हो तो कैसे लगाएं। तो पिवट टेबल अगेन हम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि रो में मैंने नेम ले लिया, उसी नेम के अंदर में एक बार और ऐड करते हैं, यहाँ पे हम सिटी कर लेते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि इसको सिटी को ऊपर और नेम को नीचा कर देते हैं, राइट सर। उसके बाद यहाँ हम वैल्यूज में हम टोटल ऐसे और भी ऐड कर सकते हैं, टोटल कर देते हैं क्वांटिटी। तो हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे यहां आपको दिख रहा है सो टोटल्स के जगह पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टोटल्स। अच्छा, अगर मान लीजिए नहीं, हेडिंग में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मान लीजिए मैं इसको एरिया वाइज लेता हूं कॉलम में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। हाँ, इसमें फर्क पड़ रहा है, दिख रहा है सर। yes. जब आप रो एंड कॉलम दोनों लेते हैं तो अब जो है आपका शो टोटल्स जो है, मतलब जो सब टोटल है वो गायब हो जाता है। ऐसे नहीं गायब होता है, ठीक है। तो मेरे पास आ गया कि दिल्ली को लीला को कितना शेक हुआ है। अब प्रॉब्लम है कि हम इसको जब लेके जाते हैं तो एक छोटा सा दिक्कत होता है कि ये जो नीचे ब्लैंक है ना वो दिक्कत होता है। मैं चाहता हूँ ब्लैंक भी जो है दिल्ली जीजीएन दिल्ली इस तरह से फिल हो जाए। तो इसमें आपको देखिए रिपीट रो लेबल करके एक ऑप्शन है, क्लिक कीजिए, ये आपके जितने भी है रो वो रिपीट हो जाए। अगर इसी तरह से कॉलन में आपने अगर ज्यादा रख रखा है, जैसे कोर्स को मैं रख देता हूँ कॉलन में, एक और ऐड करता हूँ कोर्स। अब यहाँ पे दिक्कत हो गया, एरर आ गया कि यहाँ आपका नहीं, एरर तो नहीं आया, दिख गया, दिख गया सर कोर्स। यस यस। अब ये रिपोर्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया क्योंकि उतना ज्यादा डेटा था नहीं, समझ गए। इसमें भी आप कॉलम में आप रिपीटेशन नहीं कर सकते, तो हम कोर्स को यहां से हटा देते हैं। कोर्स हट गया, क्लियर है। yes. तो इस तरह से आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, राइट। फिल्टर में मैंने मान लीजिए एरिया वाइज फिल्टर, मुझे कोर्स वाइज फिल्टर करना है तो यहाँ आपको दिख गया, बट फिल्टर के लिए आपको यहाँ कोई ऑप्शन नहीं देगा, आपको यहीं से जाके फिल्टर सेलेक्ट करना है। क्लियर ऑल, सॉरी क्लियर ऑल कर दिया, हमें डैशबोर्ड का चाहिए, डैशबोर्ड क्लिक करके ओके करूंगा तो पूरा एरिया डैशबोर्ड का दिखेगा। एक्सेल का चाहिए तो एक्सेल का दिखेगा, ठीक है सर। एक्सेल और डैशबोर्ड कैसा, क्या एक्सेल और डैशबोर्ड अंतर था?
नहीं समझे, कोर्स है सर, ये समझना है, ये जी आपका जी डेटा में कोर्स में दिया हुआ है, एरा कोर्स दिख रहा है आपको सर। अच्छा हाँ, तो यस मुझे सर मान लीजिए पिवट टेबल में जस्ट डैशबोर्ड का ही मुझे दिखना है, मतलब कि यस 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 या मुझे एक्सेल का देखना है, बीआई का देखना है, कोर्स है, मतलब ऐसा नहीं यस कोर्सेस एक्सेल, सर यस एक्सेल यस और कोर्सेस डैशबोर्ड वाली जो अलग जी फीलिंग है ना, उससे कोई लिंक नहीं है, दैट यहाँ जी पे कोर्सेस आइटम्स, सर कोर्सेस सर यस ठीक है ना, यस तो उससे आपके पास है। तो एक्सेल के मुकाबले इसमें पिवट टेबल का बहुत ही कम फीचर है, यस राइट? इसमें आपका स्लाइसर नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मैं एडिटर को क्लोज कर देता हूं, अगर मुझे इसमें कोई फिल्टर लगाना है तो फिर मुझे एडिटर पे ही आना पड़ेगा, ठीक है? अब डेटा में कुछ चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम डेटा में जाते हैं और क्वांटिटी है ना, एक मिनट, एक्सेल, हाँ हम एक्सेल कोर्स में आते हैं, एक्सेल कोर्स, ये 42 के जगह पे हम 4200 कर देते हैं, कर दिया, तो यस पिवट टेबल में कोई चेंजिंग हुआ? नहीं हुआ। एक मिनट, 13828, मैं 4200 की जगह पे इसको 3500 कर देता हूँ, ठीक है? मतलब कि एक्सेल की तरह रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, आप डेटा चेंज करेंगे ये फोटो ऑटोमेटिक। अपलोड हो जाएगा अब इसमें एक और चीज देखते हैं कि क्या हम डेटा ऐड कर बढ़ाते हैं तब क्या होता है, क्या इसमें हम ना यस रमेश सर, डैशबोर्ड नहीं एक्सेल ड्राइव, अब देखते हैं पिवट टेबल में रमेश शर्मा आया इसमें, नहीं आया सर, नहीं आज तो इसके लिए आपको यहां दिख रहा होगा एरिया 802 यस और 803 तक हमारा पिवट है, तो यहां से आपको 803 करके एंटर मारना होगा। अब देखिए आ गया, ठीक है? यस तो पिवट टेबल ए ऑटोमेटिकली अब सही रेंज को अब नहीं अपडेट करता है, आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। तो पिवट टेबल की एक क्लास हम कल और लेंगे, जिसमें हम डैशबोर्ड विद पिवट टेबल बनाएंगे, जिसमें चार्ट्स की यूज वगैरह करके हम डैशबोर्ड विद पिवट टेबल बनाएंगे गूगल सीट के अंदर अगली क्लास में, ठीक है सर? यस